हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद ज्योति। चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज के पराठे। प्याज के पराठे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और अगर सुबह सुबह नाश्ते में प्याज के पराठे मिल जाएं तो क्या बात है। तो यहाँ पराठे बनाने से पहले हम यहाँ पे आटा गूंथ के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है और थोड़ा सा नमक डाल लिया है। नमक को आटे में मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपना सॉफ्ट आटे का डो बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बनाते हैं पराठे की स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने बारीक काट लिया था। और यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अदरक ली है, और जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। थोड़ा बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च लिया है, और यहाँ पे हमारे पास पत्ते वाला प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, उसे भी मैंने डाल दिया। इससे हमारे पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। और मैंने हरी धनिया, कसूरी मेथी, कुटी हुई लाल मिर्च, हींग, जीरा, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, ये सब डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम अपने पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो प्याज की स्टफिंग बनाई है उसे हम नमक मिला के ज़्यादा देर छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो हमारा जो प्याज है वो पानी छोड़ देगा, क्योंकि मैंने इसमें नमक मिला लिया है तो हम इसको बहुत देर तक नहीं रखेंगे। तो चलिए जस्ट अपने पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल के साइज़ की आटा तोड़ लिया है, और अब हम अपनी उंगलियों की सहायता से उसे कटोरी का शेप देंगे। इस तरह से हमने घुमा घुमा के उसे कटोरी की तरह मैंने बना लिया है, और अब इसी में हम प्याज की स्टफिंग जो है वो भरेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच लिया है, चम्मच की सहायता से मैंने उसे इस तरह से उसे दबा दबा के मैंने इस तरह से अंदर प्रेस कर लिया है, और उसी में अपने प्याज की स्टफिंग को डाल लिया है। स्टफिंग डालने के बाद मैंने ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया है, जिससे हमारा जो प्याज से जो पानी निकलता है वो ये आटा जो है ना एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से हम अपने पराठे को बंद कर देंगे ऊपर राउंड करते हुए, और अब हम इसमें सूखा आटा लगा के धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। हम ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारे प्याज की जो स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएगी। इसलिए देखिए इस तरह से हम पराठे को घुमा घुमा के बेल लेंगे। देखिए इस तरह से हम अगर ज़्यादा इस पे दबाव डाल देंगे तो हमारा जो प्याज है वो बाहर निकल जाएगा, हमारे पराठे फट जाएंगे। तो देखिए इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये जो पराठा है वो बेल के रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम पराठे को सेकना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तवा गरम हो गया है, और अब हमने यहाँ पे जो पराठा है वो तवे पे डाल दिया है। अब हम पराठे को उलट पलट के दोनों साइड सेक लेंगे, फिर उसमें घी लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम पराठे को पलट लेंगे। तो यहाँ पे हमने पराठों को दोनों साइड से पहले सेक लिया है हल्का, और अब हम यहाँ पे घी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पराठों को घी लगा के सेका है। घी से पराठे जो है ना वो डबल टेस्टी हो जाते हैं। तो मैंने इस तरह घी लगा के दोनों साइड पराठों को उलट पलट के सेक लिया है गोल्डन होने तक। प्याज के पराठे बनाने के लिए अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पराठे नहीं फटेंगे। यहाँ पे जो है हम प्याज का पराठा बनाने के लिए आटा जो है वो सॉफ्ट गूँथेंगे, और दूसरी बात प्याज की स्टफिंग में नमक मिला के बहुत देर हम नहीं रखेंगे। जब हमें प्याज के पराठे बनाना हो हम तुरंत नमक मिलाएंगे। और यहाँ पे तीसरी और आखिरी टिप है कि हम अपने पराठों को हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत प्रेशर नहीं लगाएंगे। तो हम इसी तरह से अपने बाकी पराठे भी बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए मेरी नाश्ता थाली प्याज पराठे बन के तैयार हो गए। तो आपको हमारे प्याज पराठा रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और आप मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय।